छोटा सा बुंदी। सुबह से फॉग है, यहाँ पे कोहरा छाया हुआ है। इस वक्त बज रहे हैं 12 बजने वाले हैं और यहाँ पे सुबह से ऐसा ही फॉग वाला मौसम है, बेहतरीन मौसम है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग दोनों दोस्त कहाँ पर हैं, तो हम लोग हैं अपनी फेवरेट जगह में, मैन पार्ट में, और फूले नहीं समा रहे हैं हम लोग। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी और जितेंद्र कुमार अग्रवाल आप सबका स्वागत करते हैं एक और नए तबाही वीडियो में। मजा है, रात में रुकने में बहुत मजा आया। मजा तो बहुत आया, लेकिन इसको बहुत डांट पड़ी क्योंकि ये निशा भाभी इसको बिना बताया आया था, तो इसको फुल बत्ती पड़ी है। अभी बातचीत बंद है, घर जाके फिर डांट पड़ेगा। और सब मेंटेन हो जाएगा यार, घर का किधर जाएगा किधर। रहे थे कि मैं GoPro अपने एक्सटर्नल माइक के साथ कैसे वाटरप्रूफ करता हूँ, तो ऐसे GoPro ऑलरेडी वाटरप्रूफ होता है, लेकिन जब आप लोग माइक अडाप्टर लगाते हैं तो वाटरप्रूफ नहीं रह जाता है, क्योंकि वो साइड का एक ढक्कन है, उसको निकालना पड़ता है। सत्य तो इस तरह से प्लास्टिक और रबर बैंड की सहायता से इसको वाटरप्रूफ किया गया है। घुसे जाएगा उसका कुछ नहीं किया जा सकता भाई, रिस्क लिया गया है। बाकी जल्दी से नहीं घुसता है। वाह, हंसी तो देखो, खुशी तो देखो भाई का। तो रिसॉर्ट के बाजू में यहाँ पे इस तरह से हमारी जिक्सर जयपुरी सुरक्षित खड़ी थी। चलें। चल। बस एकदम सेंटर लाइन पे। जय हो। चल। चल। मुस्कुराइए, आप मेन पार्ट में हैं। हाँ यार, कोहरा चिपटी वाला फ्लैग देख, फ्लैग गजब का लग रहा है बाबू। सारा फील तो इसी फ्लैग का है बे। हाँ यार, इस फ्लैग को देखने के बाद दिमाग एकदम चेंज हो जाता है। हाँ, बहुत बदल जाता है पूरा। हाँ, लैंड साफ कर लिया जाए। ये सब गेट देख के यार मजा आ जाता है यार, फील है। उसको घुमाएंगे अभी, वो जो व्हील है ना, इसको पूरा को घुमाएंगे ऐसे। पहले घुमा ही लेते हैं। नया बनना है, बड़ा सा उसका उद्घाटन नहीं हुआ है लग रहा है। नया नया बोलते हैं सबको, मस्त एकदम न्यू पेंट हुआ है। इसे एक बार घुमाने से लाखों मंत्र जपने की पुण्य मिलता है। कृपया घड़ी की दिशा में घुमाएं। भवंतु सर्व मंगलम। एक बार में लाखों मंत्र भाई, अपन 5-10 बार घुमाएंगे। दौड़ 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 दौड़। और घुमा घुमा ना, तू भी ताकत लगा। नहीं, तू मत घूम, ऐसे घुमा, ऐसे फुल स्पीड में घुमाते हैं। हाँ, और घुमा। एक बार में 1,00,000 मंत्र का तो हम लोग बहुत बार घुमाएंगे। ठीक, ये है प्राचीन बुद्ध मंदिर यहाँ पर का। सो कुछ इस तरह का भवन है, अति सुंदर। वहाँ पे चक्र बना हुआ है। ये लिखा है तिब्बती मोनास्टिक कैंटीन, यहाँ तिब्बती का सभी भोजन उपलब्ध है। जय हो, जय हो। ऐसे तो खुला है बे। यहाँ आए थे क्या? देख तो पता कर नून चाह मिलेगा क्या। कैंप नंबर 1 में हम लोग को तिब्बती वाला रेस्टोरेंट मिल गया है, और अभी पता चला है कि यहाँ पे बटर टी भी उपलब्ध है। और जितेन पहले तो आसन जमा चुके हैं। 1 बजने वाले हैं।
अच्छा लगा तिब्बती भाई लोगों से बात करके। हम लोग को नून चाह पीने से ज़्यादा ना उनसे बात करने में ज़्यादा मजा आता है ना भाई, चापते हैं हम लोग उन लोग को। भाई यहाँ पे थैंक यू भारत लिखा हुआ है, धन्यवाद भारत। किधर जाना है भाई? ये तिब्बती जो है यहाँ पे शरणार्थी हैं, तो इनके पास में इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, ना तो ये यहाँ पे प्लॉट या लैंड्स खरीद सकते हैं, ना तो इनको गवर्नमेंट ने जो दिया है उसको बेच सकते हैं, उसका शायद पट्टा भी नहीं है इनके पास में। अगर उनको ये राइट्स दे दिए जाएँ तो शायद वो लोग यहाँ पर को मैन पार्ट को और अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। फिर से झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है और इस वक्त हम लोग निकल रहे हैं बाहर, मैनपाट से वापस जाने की तैयारी में हैं। मैनपाट से नीचे उतरते ही मौसम बदल चुका है, नज़ारे बदल चुके हैं, बढ़िया मीठी मीठी धूप निकल चुकी है, अच्छा लग रहा है इतना बारिश में भीगने के बाद में अभी धूप में। ये हम लोग सीतापुर के लिए शॉर्टकट लिए हैं और ऐसे ही कुछ कुछ शॉर्टकट पता किए हैं, जिन शॉर्टकट से होते हुए हम लोग पहुंच जाएंगे कांसाबेल। जी सर, कब पहुंच जाएंगे पता ही नहीं चलेगा अग्रवाल जी। पहुँच गए हम लोग सीतापुर। ये सड़क जाती है पत्थल गांव और हम लोग को पता चला है कि सीतापुर के इस बाजार डांड से होके कोई शॉर्टकट जाती है, गांव का नाम है बनिया बासेन गिरोल्डी वगैरह क्या क्या है। गिरोल्डी पड़ता है इसमें? हाँ आता है, लेकिन सीधा जाना पड़ेगा, इसमें सीधा जाएगा फिर मेन रोड को छोड़ के। वो पीच रोड है पूरा। हाँ, यहाँ तक धूप है, उसके आगे छाँव है और उन पहाड़ियों को बादलों को देख के लग रहा है कि फिर से बारिश हम लोग का इंतजार कर रही है। भैंसा बाबा हम हैं बोल रहे हैं अबे वो देख चिलम वो आप लोग देख रहे होंगे ईटा भट्टा का जो चिमनी लगा हुआ है, जितेंद्र उसको बोल रहा है कि बे चिलम है, चारों तरह से पाइपिंग कर दिया जाए। हाँ। और अंदर में जो सुट्टे बाजों के लिए जो मटेरियल रहता है सुट्टा, हाँ, उसमें कुछ फीट तक उसको डाल दिया जाए, उसको खींचे और एक ही बार छोड़े देख उसका पूरा एरिया जो है मदमस्त हो जाएगा उसके बाद। हाँ। सारे सुट्टे बाजों के लिए फिर विशेष जगह हो जाएगा। हाँ। तो चिलम गढ़ नाम रहेगा, सुट्टागढ़ तबाही चिलम है वे मेगा चिलम है ये। चिलम है भाई। तो भाई लोग जो लोग समझना है समझ गए होंगे ये वाला चिलम देख के और जिन लोग चिलम क्या होता है नहीं समझते हैं वो लोग कभी जानने का प्रयास भी मत करना कि चिलम क्या होता है ना जितेन। कांसाबेल के लिए गिरोल्डी होके भी जा सकते हैं ना, इधर से जाएंगे तो फिर आगे जाके बनिया तक जाएंगे, फिर ऐसे मुड़ना पड़ेगा। जितेन देख बे, ओ देख तो बे, सुराहीदार रोड, फुल व्यावान जंगल से होके हम लोग गुजर रहे हैं, हम लोग को पता भी नहीं है कि हम लोग किस तरफ है। तो भगवान बुद्धा देखो ओ सुखनाथ पारा सरगा पारा पता नहीं क्या क्या नाम है सरगा, मतलब कोई तीर धनुष लेके भी बाहर निकल सकता है आराम से, कोई बड़ा चीज नहीं है। हाँ, यहाँ पर रहते हैं काफी सारी मतलब इस प्रजाति के लोग रहते हैं जिन जो वनों पे निर्भर रहते हैं, तीर धनुष शिकार करना उनका काम होता है, जंगली जीव। हाँ, जंगल वाला खाना पीना खाते होंगे। हाँ, तो उस तरह के लोग रहते हैं इस क्षेत्र में, तो उस लोग भी निकल सकते हैं क्या, जी रहे हैं बहुत अच्छे से यार। लेकिन यार मस्त लग रहा है, अलग रोड में आके अलग फील आ रहा है, अलग फीलिंग आ रही है, महसूस कर रहे हैं अलग। हम लोग रास्ता भटक गए थे, इधर कहीं आ गए थे, तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं सिस्टम में। हाँ, हम लोग गलत टर्न ले लिए थे,
लगभग 5-6 किलोमीटर आगे पहुंच गए थे हम लोग। ये देख खेत में काम कर रहे हैं, इन लोग से पूछेगा, वो देखना ऑफ रोडिंग, देख लद्दाख है वे वो आगे, वो देख लद्दाख जैसा चढ़ाई है, देखा जाएगा भाई, चलते तो हैं। शॉर्टकट के चक्कर में, गूगल बाबा के चक्कर में ना, हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से, कौन कौन से गांव से आ रहे हैं। ये देखिए हाई फाइव ब्रिज है, वहाँ का स्लिप लिप मार दिया ना, तो हम लोग चल देंगे नीचे, चल देंगे हम लोग बाइक। और देख तो ये एलएनटी रोड है पूरा, तबाही रोड। तो ये ब्रिज देखिए, अभी हम लोग को इस नदी को पार करना है, ये रपटा बना हुआ है, बड़ा खतरनाक लग रहा है। और इस नदी में खतरनाक बात यह है कि कभी भी पानी अचानक भर जाता है और ये रपटा से भी ऊपर आ जाता है। अबे स्लिप लिप करेगा लग रहा है बे, फिर खाती चढ़ जाएगा ना, चढ़ जाना चाहिए, अगर स्लिप करेगा तो संभाल लेना, खतरनाक स्लिप कर रहा है बे, संभाल। 8:07 बचे हुए हैं, हम लोग लगभग पहुंचे, 1 घंटा हो गया हम लोग को पहुंचे हुए, और हम लोग ये सोचे कि नए रास्ते से जाएंगे, बहुत सारा एडवेंचर करेंगे, और सच में एडवेंचर, फुल एडवेंचर हो गया। गूगल माता की सहायता से हम लोग कहां से सीधे डायरेक्ट कांसाबेल पहुंच गए, एकदम पगडंडी रास्ता, ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, पहाड़ से उतरे और अचानक पीछे हो सकते थे ना, आगे होने का हिम्मत हो रहा था, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा हुआ कि पहाड़ से नीचे उतर के अचानक हम लोग को कांसाबेल दिख गया, हम लोग बहुत चक्के रह गए कि अरे हम लोग कैसे पहुंच गए इतने जल्दी, अजीबो गरीब रास्ता रहा था, लेकिन जो चाह रहे थे कि एडवेंचर हो, कुछ नया रास्ता हो, फुल एडवेंचर हो गया, एडवेंचर में कमी नहीं था। सो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगर अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सकल कर्म कर सकते हैं, राइड सेफ ऑलवेज, वेयर हेलमेट, जय हिंद जय भारत।